भगवान का संदेश वेदों में ये है, इमं जीवेभ्य परिधिम ददामि मैशामनुगाद परो अर्थमेतम शरद जीवंतु शरद पुरुचि ददतां मृत्युम पर्वतेन। कि तुम्हें 100 वर्ष की आयु देकर दुनिया में भेजा गया है, 100 वर्षों तक प्रभात वेला का आनंद लेकर जियो और मृत्यु जैसे दुख जीवन में आए उनके सम्मुख पर्वत बनकर स्थिर रहो और जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करो। तो आयु छोटी हो या बड़ी, आयु के छोटे बड़े होने का महत्वपूर्ण कुछ भी अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण अर्थ ये हो सकता है कि अर्थपूर्ण जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन यदि जिया जाए तो वो जीवन महत्वपूर्ण होता है। आश्चर्यजनक बात है, बुद्ध लगभग 90 वर्ष इस धरती पर रहे और आदि शंकराचार्य 30-33 वर्ष तक आयु बिताकर दुनिया से गए और विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर वो भी 30 के आसपास ही था। तो किसी की आयु कितनी लंबी, भगत सिंह को देखें 22-23 साल की उम्र में हिंदुस्तान को क्रांति का मंत्र देकर वो शरीर छोड़कर चला गया। वीर हकीकत राय 13-14 वर्ष की आयु तक ही जीवन धारण किया लेकिन धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 सुपुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह वह छोटी सी आयु में अपने देश के लिए कुर्बानी दी। महत्वपूर्ण ये है कि हम जीवन को अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण ढंग से जिए, खाए पिए एक छोटे से दायरे में परिवार के इर्द गिर्द जीवन घूमते हुए काट लेना वो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उम्र शरीर की है, आत्मा की उम्र नहीं है। शरीर की आयु घटेगी बढ़ेगी, आत्मा उम्र से परे है। आत्मा की उम्र नापी नहीं जा सकती क्योंकि जितना पुराना भगवान है उतना ही पुराना आत्मा है, परमात्मा जितना पुराना है उतना ही पुराना ये आत्मा भी है। आत्मा शरीर धारण करने के साथ शरीर के साथ शरीर का मरना जीना चलता रहता है लेकिन आत्मा का सफर खत्म नहीं होता। आत्मा लगातार अपनी यात्रा जारी रखता है और इसीलिए किसी जन्म में जब यह अवसर प्राप्त होता है कि हम जिज्ञासु बनते हैं, श्रद्धालु बनते हैं, संकल्पी होते हैं, व्रति बनते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर जीवन जीने लग जाते हैं, किसी बड़ी बात को ध्यान में रखकर जीते हैं, तो फिर हम उन सब आत्माओं से ऊपर उठकर जो सामान्य आत्माएं हैं, सामान्य जीवन जीने वाले लोग भेड़ बकरियों की तरह जीवन जीते हैं, वो आए गए, उनका ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। कुछ होते हैं कि जो अपनी आत्मा का विकास करते हैं, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, खुद का नेतृत्व करते हैं, दूसरों का नेतृत्व करते हैं, खुद को मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, दूसरों को मुसीबतों से निकालते हैं, खुद को शक्ति संपन्न बनाते हैं,
और न जाने कितनों की ताकत बन जाते हैं। इसलिए ये बात अलग तरह की है कि अगर हम ये कहें कि विवेकानंद विवाह नहीं किया, मां से पिता से दूर हुए, तो एक कमी दिखाई देती है। लेकिन भारत मां के बेटे बनकर भारत मां के लिए और विश्व मां के लिए जिए, ये बड़ी बात दिखाई देती है। वो छोटी मां की गोद में बैठकर नहीं खेले, लेकिन बड़ी मां की गोद में उसके आंगन में आ गए। माता पिता की सेवा करने के लिए नहीं गए, लेकिन विश्व मां की सेवा करने के लिए पहुंच गए। रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी की कोठरी में अपनी मां को दूर से आते हुए देखा, आंखों में आंसू आए, तो मां ने कहा, मेरा बेटा होकर और रोता है, मौत से डर लगता है। उसने कहा, नहीं मां, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। अपनी गोद में खिलाते हुए तुमने कितने सपने देखे होंगे कि अपने बच्चे को बड़ा बनाऊं और बुढ़ापे में मेरे काम आए। तो उसने कहा कि तू अपनी मां को इतना छोटा समझता है। भारत माता की सेवा कर रहा है, बड़ी मां की सेवा कर रहा है, ये मेरी सेवा है। मेरा बेटा एक छोटे से आंगन का बेटा नहीं है, विश्व आंगन में जिस पर गर्व कर सके बेटा हो तो ऐसा। भगत सिंह की मां भी गर्व करती कि मेरा बेटा साधारण बच्चा नहीं है। वही रामप्रसाद बिस्मिल जिसने देश की आजादी के लिए क्रांति का बिगुल बजाया, चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से घिर गया था तो खुद को खुद ही गोली मारते हुए कहा, अंग्रेज मुझे छू नहीं पाएंगे कभी भी, वीरता से जिया हूं, वीरता से जा रहा हूं। तो ये लोग थे जो छोटी उम्र तक जिए दुनिया में, लेकिन इनका जीना बड़ा जीना था। छोटी उम्र पाकर गंगा जमुना की जो बात कही जाती है, गंगा जमुना में पानी रहे, तुम्हारी यश गाथा रहे, उनकी गाथाएं रहती हैं दुनिया में। और जीवन को उतना ऊंचा ही बनाना चाहिए, बहुत छोटा नहीं बनाओ। बड़ी बात सोचिए, बड़ा कुछ करिए। अपने अपने घर परिवार में अपनी अपनी बातें करते हुए उसी रोने को रोते रोते मैं देखता हूं, माँ बाप कोशिश करते हैं बच्चों की शादियां कर दें, खुश हो जाएं, ना तो माँ बाप खुश हो पाते। वो कहते हैं अभी भी बेटी का ध्यान आता है, बेटा खुश नहीं है, बेटी खुश नहीं है। उधर बेटी कहती है, मैंने भी क्या पा लिया। फिर कहते हैं, ये तो दुनिया का चलन है, चलना पड़ता है। ठीक है, इस चलन में चलिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आप करने आए थे वो भूल जाओ। कुछ लोग अपने पति की शक्ति बनते हैं, कुछ महिलाएं, जैसे विवाह संस्कार में ऐसा कहा जाता है, ध्रुवम पश्य, पति अपनी पत्नी की तरफ, होने वाली पत्नी की तरफ इशारा करता है कि ध्रुव तारे को देखो, और देखकर स्थिरता का संकल्प करो। कि दुनिया में मौसम बदलते हैं, युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन पूरे संसार में ध्रुव तारा अपनी जगह अडिग है, मतलब वहीं गति कर रहा है। उसे देखकर दिशा का ज्ञान होता है कि तुम अपनी मर्यादा, अपने धर्म का पालन इस तरह से करो कि तुम्हें देखकर दूसरे जो भटक गए हैं उनको भी अक्ल मिल जाए, समझ आ जाए कि ऐसे जियो, ये है जीने का ढंग। एक पत्थर पर पांव रखवाते हैं विवाह के समय, आरोह इमम अश्मानम स्थिराभाव, तुम इस पत्थर पर पांव रखो और स्थिर हो जाओ।
तो कहा जाता है ये प्रतीक है पहाड़ का, जिसे कोई हिला नहीं सकता। हर रोज तूफान आते हैं हिमालय में, ये हिमालय उनको देखकर मुस्कुराता है जैसे पवन पंखा करने के लिए आई हो। कमजोर बनो तो हवा हिला देगी, शक्तिशाली बनो तो हवा गीत गाने आती है, वो तराने छेड़ेगी कि तुम अपने आप को इतना स्थिर कर दो, मजबूत कर दो कि दुनिया की हवा तुम्हें हिला न सके। तो वो एक फर्ज है कि तुम अपनी गृहस्थी को चला रहे हो तो वहां मजबूत बनो। लेकिन इतना ही नहीं है, ये कहा जाता है कि उसमें स्थिर होते होते तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंचो कि मदालसा बन जाओ, मां सुनीति बन जाओ, मां सुमित्रा बन जाओ। मदालसा ने अपने बच्चों को पाला और लोरियां गाई, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से, तो शुद्ध है बुद्ध है। इस आत्मा के, इस शरीर के बंधन में बंधने के लिए तू नहीं आया, तू मुक्त होने के लिए आया है। संसार के बंधन में बंधने वाले और लोग हैं, वो रोज रोते हैं मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरी सास ऐसे कह रही है, और फिर रोज रोते हैं और उसको छोड़ते नहीं, वहां से निकलते नहीं बाहर। कि तुम मुक्त होने के लिए दुनिया में आए हो, और उस समय ये लोरियां गाकर अपने बच्चों को इतना बड़ा योगी बना दिया, और ऋषि बनकर तप करते करते मुक्त हो गए। एक ही बेटे को जब राजा ने कहा एक बेटा चाहिए जो राजपाट संभाले, तो उस समय उसने अपने बच्चे के अंदर संस्कार भरे प्रतापी राजा बनने के लिए। दिग्विजय करो, दिग्दिगंत तक तुम्हारी विजय पताका लहरा है। तो मां जैसी भूमिका अदा करती है, इसको कहा जाता है माता निर्माता भाव थी। तो वो एक फर्ज पूरा कर रही है, और उसे पूरा कर लेती है तो लगता है कि धरती पर आना सफल हुआ। या फिर सुमित्रा की तरह, या सुनीति की तरह, सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को जब अपमानित होकर के ध्रुव आया, उसने रोकर कहा पिता ने मुझे गोद में नहीं बैठाया क्योंकि विमाता ने कह दिया मेरे गर्भ से पैदा हुए होते, राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, तो दूसरी रानी ने डांट दिया मेरी गोद से पैदा होता तब तू राजा की गोद में बैठता। तो उसने कहा विमाता ने मुझे अपमानित किया है। तो माँ ने ईर्ष्या के बोल नहीं बोले, उसने कहा बेटा तुम्हें अधिकार दिया गया है कि छोटे से राजा की गोद में नहीं बैठना, तूने विश्व का जो सबसे बड़ा राजा है परमात्मा उसकी गोद में बैठने आ, उसका साम्राज्य तुम्हें मिला, तो जाओ तप करो, साधना करके अपनी ऊंचाई को प्राप्त करो। ये छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष में पड़ने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए। उस बच्चे ने जाके तप किया, कहते हैं भगवान विष्णु भी नारायण भी उस बच्चे के साथ खेलने आते थे जब वो ये कहता था यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, बाल रूप धारण करके खेलने आते थे। वो आके बताता था ऋषियों को कि जैसे ही सांझ ढलती है और आसमान में चंद्र पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस समय इस नदी में एक नौका में बैठकर एक बालक आता है और हम दोनों खेलते हैं और बहुत आनंद आता है। तब ऋषियों को ध्यान हुआ और ऊंचाई हो तो इतनी कि छोटे से बच्चे ने परमात्मा को भी नीचे उतार दिया, खेलने के लिए आओ मेरे साथ। मैं ये कहूंगा जीवन छोटा या बड़ा जहां जो भूमिका मिले अच्छे से पूरा करो, और गुरु के साथ जुड़े हो तो इसका मतलब है कि उस पार से निकलकर दूसरे पार जाना है। ये लोक की नदी, संसार की नदी के एक किनारे पर आप हैं जो मोह ममता का संसार है, वहां से आगे आकर परमात्मा के प्यार के संसार में कदम रखो
भक्ति भी करो, सेवा भी करो। गुरु उस पार खड़े हुए हैं तुम्हें बुलाने के लिए, इस पार से उस पार ले जाने के लिए।